बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल आज के जीवन की सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि 20 साल से लेकर के 40 साल तक के लोगों को हृदय से संबंधित बड़ी समस्याएं आना चालू हो गई हैं। हृदय की समस्याओं का वैसे तो और भी बहुत सारे कारणों से नाता होता है, लेकिन सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ा हुआ है तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय की समस्याओं के लिए सबसे पहले नंबर का खतरा माना जाता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो, प्लस अगर ट्राइग्लिसराइड भी आपका बढ़ा हुआ है। ट्राइग्लिसराइड मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनका 700 800 850 900 तक ट्राइग्लिसराइड्स हो जाते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है तो डेफिनेटली वो भी आपके लिवर और आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज हम जानेंगे इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत आसान सा घरेलू जो उपाय हो सकता है, घर में ही आप कुछ चीजों को मिला करके, और वो चीजें जो बहुत आसानी से आपको आपके आसपास ही मिल जाएंगी, आप उनको मिला करके पाउडर बना के रख लीजिए और उस पाउडर को दिन में दो बार लेना है। आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड डेफिनेटली धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगा, और इस पाउडर का आपके HDL पर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि HDL जो है वो ज्यादा होना चाहिए। HDL जो है वो पहले बोला जाता था कि 35 से ऊपर होना चाहिए, आजकल चूंकि कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, तो ये लगभग अब माना जा रहा है कि ये 40 से 45 से ऊपर ही होना चाहिए। अगर ये 40 से कम है तो इसको कम ही कंसिडर किया जाता है। तो ये जो नुस्खा है ये आपके HDL को बिना कम किए बाकी टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल जो है इनको कम करने का काम करेगा, साथ में ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम कराएगा। ये जो नुस्खा है, इस नुस्खे में आपको बेसिकली वैसे तो 8 चीजों का उपयोग करना है। 8 चीजों में सबसे पहले होगा अर्जुन छाल आपको लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम आप अर्जुन की छाल ले लें। दूसरे नंबर पर आपको लेनी है दालचीनी। अर्जुन छाल 100 ग्राम ले लिया आपने। दूसरे नंबर पर आपको लेनी है दालचीनी। दालचीनी भी आपने 100 ग्राम ले ली। दालचीनी 100 ग्राम लेकर के आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से, कोशिश करें कि इनको रॉ फॉर्म में अगर पंसारी के यहां मिल जाएं तो रॉ फॉर्म में ही ले लिया जाए। पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो वो पाउडर कैसा है, वो अर्जुन छाल के साथ कुछ मिलाया हुआ नहीं है, इसकी कोई बहुत ज्यादा, हालांकि जो भी सेल यूनिट पर सेल करते हैं वो अपनी क्वालिटी पहले से मेंटेन करने का रखना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन आप कोशिश करो अगर संभव हो जाए तो इनको रॉ फॉर्मेट में ले लिया जाए। इसके बाद आप ले लीजिए त्रिफला। त्रिफला पाउडर जो होता है, त्रिफला आपको 100 ग्राम ले लेना है। अब त्रिफला में वैसे तो 3 चीजें आ जाती हैं, हरण, बहेड़ा, आंवला। तो हरण, बहेड़ा, आंवला जो 1:2, 2:4 के रेशो का आता है, वो हरण, बहेड़े, आंवले का तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो 100 ग्राम ले लीजिए। इसके बाद फिर आता है आपका त्रिकटू पाउडर, त्रिकटू चूर्ण। अब त्रिकटू चूर्ण में क्या क्या आता है, त्रिकटू चूर्ण में भी 3 चीजें आती हैं। त्रिकटू जो चूर्ण है उसमें कौन सी 3 चीजें आती हैं, सौंठ, पीपली और काली मिर्च। तो त्रिकटू की 3 चीजें कौन सी हैं, सौंठ, पीपली और काली मिर्च। इन तीनों का मिला हुआ जो पाउडर है इसको भी आपने 100 ग्राम ले लिया। अब ये चूंकि ये सारी चीजें लगभग गर्म हो गई, इसमें आंवला जो है ये सिर्फ ठंडा है अभी तक, ठीक है, तो अब अपने को यहां मिलाना है सौंफ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ है उनका कोलेस्ट्रॉल तो कम हो लेकिन साथ में कहीं उनको एसिडिटी ना हो जाए,
गर्मी ज्यादा ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप इसको सौंफ से बेस कर दीजिए। सौंफ से बेस कर देंगे आप, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद फिर आप जाएंगे, सौंफ ले लिया आपने, अच्छा ये जो है त्रिकटू चून जो है ये भी आपने 100 ग्राम लिया है, तो 400 ग्राम तो अपना ये हो गया। इसके बाद सौंफ के बाद लेंगे मुलेठी, मुलेठी, ये मुलेठी अगर आपने ली है तो इस मुलेठी को भी हम 100 ग्राम ले लेंगे। अब ये मुलेठी 100 ग्राम हो गई, ये टोटल हो गया 500 ग्राम हो गया। और ये जो है ये कंटेंट कितने हो गए, अगर हम इनको जोड़ लेते हैं 3 और 3 6 और 2 8 और ये 2 10 हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इनको त्रिफला और त्रिकटू मान करके डाल देते हैं तो 6 ही कंटेंट होते हैं फिर, ठीक है। अगर इसमें हम ऐसा चाहें कि ये पित्त भी नहीं बढ़ाए, तो पित्त नहीं बढ़ाए हमने सौंफ इसके लिए मिलाई है। अगर मान लो कि किसी को कफ की तासीर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इस सौंफ को यहां से हटाया जा सकता है, सौंफ को हटा देंगे, ठीक है। अगर कफ की तासीर है तो, क्योंकि कफ की तासीर क्या होती है, कफ का गुण होता है शीत प्रकृति का और सौंफ भी शीत प्रकृति की है, तो वो थोड़ा ठंडक करके खांसी जुकाम या किसी को दमा है उसको थोड़ा बढ़ा सकता है, तो इसको फिर हम हटा लेंगे, ठीक है। अब ये चीजें जो हैं इनको हमने मिलाकर के एक पाउडर बना लिया, 500 ग्राम पाउडर तैयार हो जाएगा। उस 500 ग्राम पाउडर को आप किसी कांच के बर्तन में भर के रख लीजिए। 500 ग्राम पाउडर तैयार हुआ है, इस 500 ग्राम पाउडर को आप एक कांच के जार में भर के रख लीजिए और इस पाउडर को आप खाने के लगभग 40 मिनट के बाद एक ग्लास पानी में एक एक चम्मच पाउडर दिन में 2 बार खाने के 40 मिनट के बाद लेना है। खाने के 40 मिनट के बाद एक एक चम्मच दिन में 2 बार खाने के तुरंत बाद नहीं लेना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लोग खाना खाया पानी में घोला और पी लिया तो फिर वो क्या होगा कि पाउडर तो काम कर सकता है लेकिन खाने के बाद जो तुरंत बाद पानी पिया जाएगा वो पानी आपके पाचन को खराब कर देगा। हम ये ले रहे थे क्योंकि पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उनको सुधार करके कोलेस्ट्रॉल को सही कर लें, अब हम तुरंत पानी पी करके एक और गलती कर रहे हैं, इस गलती की वजह से भी हमको आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है कि खाना खाने के तुरंत बाद इस पाउडर का उपयोग ना किया जाए, खाना खाने के 40 मिनट के बाद यह पाउडर लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये पाउडर बना के रख लिया आपने खाना खाने के बाद 40 मिनट बाद पानी के साथ लिया, निश्चित ही आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है धीरे 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 करके कम आना चालू हो जाएगा। प्लस कोशिश ये करिए कि क्योंकि ये तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम कर रहा है लेकिन हम साथ साथ में अगर दुनिया भर का फैट खाते रहेंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल ये कम कर रहा है लेकिन हम भर रहे हैं दोबारा से, तो ये तो कम करने का काम कर रहा है, भरता हुआ कोलेस्ट्रॉल बराबर बराबर करके वो भरता जा रहा है, तो अल्टीमेटली आपको इफेक्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप थोड़ा घी चिकनाई कम से कम खाएं, कोशिश करें पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो जाए, थोड़ा कोशिश करें कि खाने में बल्क जो है वो बेसिक ज्यादा बना रहे लेकिन कैलोरी थोड़ी कम हो जाए। इसके लिए आपको ज्यादा मात्रा में सलाद, ज्यादा मात्रा में फल और उबली सब्जियों पर ज्यादा फोकस करना होगा। शाम का खाना थोड़ा जल्दी खा लिया जाए, कोशिश करी जाए कि व्यायाम में कम से कम 1 घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम को व्यायाम नियमित रूप से करें। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली धीरे धीरे करके बिल्कुल कम हो जाएगा और आप लिवर और हार्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनसे पूरे तरीके से बचे रहेंगे। आशा है ये वीडियो पसंद आएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।